जयपुर से बड़ी खबर है। आयकर विभाग की लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। आयकर अन्वेषण शाखा के उप निदेशकों की जिम्मेदारी तय हुई है। अतिरिक्त निदेशक आयकर अन्वेषण डॉक्टर संग्राम रमेश जगदाले होंगे प्रदेश में विभाग के प्रभारी। राज्य के सभी जिलों के लिए 12 उप निदेशक और सहायक निदेशकों की जिम्मेदारी तय की गई है। अन्वेषण शाखा ने 12 उप निदेशक और सहायक निदेशकों को बनाया सब नोडल अधिकारी। जयपुर जिले, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, दूदू और जयपुर एयरपोर्ट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी DDIT अशोक चारण को दी गई है। तो वहीं अन्य उप निदेशक और सहायक निदेशकों को सौंपी है जिलों की अलग अलग जिम्मेदारी। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय ने तय की है आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारी। 33 जिलों के लिए आयकर अधिकारियों का पैनल बनाया गया है। हर जिले में 2 आयकर अधिकारी और 4 निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय हुई है। इसके अलावा सत्यापन के लिए प्रदेश में बनी रिजर्व वेरिफिकेशन सेल, 65 आयकर अधिकारियों को रखा रिजर्व और स्टैंड बाय मोड में भी। विधानसभा चुनाव में भी राज्य में आयकर विभाग ने की थी रिकॉर्ड कार्रवाई। वर्ष 2018 की तुलना में 2023 में अधिक जब्त हुई नकदी और मूल्यवान संपत्ति। तो आयकर विभाग की लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरी तैयारी, जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। और ये जो नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं खास तौर पर फोकस अलग अलग क्षेत्र में रखने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि ऐसी कार्रवाइयों में और ज्यादा मदद मिलती है। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आयकर विभाग ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी, हमने देखा था रिकॉर्ड तोड़ वो कार्रवाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई है, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसी तैयारी है विभाग की? देखिए, विभाग की तैयारियों की बात करें तो विभाग की तैयारियां तो पूरी तरह से पुख्ता है, चौकस है। लेकिन अब इसमें ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दायरा बहुत बड़ा होता है और विधानसभा चुनाव का दायरा लोकसभा की तुलना में कम होता है। इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर धन की जो जब्ती है उसको लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हालांकि आयकर अधिकारी पूरी तरह से चाक चौबंद है और ये लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इनको बड़ी सफलता मिलेगी। जैसे विधानसभा चुनाव में आयकर विभाग की ओर से जो नकदी और संपत्तियां जब्त की गई थी उसकी बात करें तो वो काफी बड़ी राशि थी जी। और ये करीब 1000% के आसपास राशि अधिक मतलब जब्त हुई थी। पिछली बार 2018 और की के चुनाव में जो राशि जब्त हुई थी उसकी अगर 2023 से तुलना करें तो। इसी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है और जो फीडबैक मिला वो यही है कि अधिकारियों ने पूरी तरह से जो जैसी तैयारी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में की थी उसी तरह की तैयारी इन्होंने लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रख के भी की है जी। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो विभाग की कार्रवाइयां होगी और जो यदि धन का प्रवाह कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर होगा तो वो आयकर विभाग की नजर से बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। कुछ आंकड़ों की अगर बात करें तो मेरे पास लोकसभा चुनाव में जो कार्रवाइयां हुई थी और उसके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उपलब्ध हैं। और उसमें ये बताया गया है कि लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1,09,00,000 रुपए ही जब्त हुए थे। ठीक। अब यदि विधानसभा चुनाव में जब्त की गई राशि की राशि को और लोकसभा चुनाव की राशि को अगर कंपेयर करें तो विधानसभा चुनाव में आयकर विभाग ने 2023 के चुनाव में आयकर विभाग ने 72,50,00,000 रुपए जब्त किए थे जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1,09,00,000 रुपए ही जब्त हुए। तो इस कंपैरिजन को देखते हुए तो बड़ा गैप नजर आता है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में विभागीय आयकर विभाग है और दूसरी जो GST संग्रहण से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं जैसे CGST है, SGST है, ये भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आएगी और सड़क परिवहन के माध्यम से माल के आवागमन पर विशेष नजर रखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।